नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह असर की तफसीर पर गुफ्तगू जारी है। अल्लाह तबारक व तआला ने जमाने की कसम खाकर यह इरशाद फरमाया, इन्नल इंसान लफी खुसर। अरबी जानने वाले एक नुक्ता मलहूज रखें कि नकेरा तहतन नफी जब आता है नफी के सियाक में तो उमूम का फायदा देता है, और अगर नकेरा ये इस बात के सियाक में आए तो इतलाक का फायदा देता है। यहां आप देखें कि खुसर नकेरा है और इस बात के सियाक में है। पता ये चला कि तमाम के तमाम इंसान मुतलक घाटे में। मुतलक घाटे में होने का क्या मतलब है? इंसान अगर आगे बयान की गई चार सिफतों से जिंदगी में दुनिया में मुत्तसिफ नहीं हो सका तो गोया उसने अपने आप को एक खोटे सिक्के की तरह बना लिया। और नाज़रीन कराम, आपको मालूम है कि खोटा सिक्का कहीं चलता नहीं है। अब आदमी अपनी जिंदगी को अगर खोटा सिक्का बना ले मरने के बाद आखिरत की बाजार में, ये खोटा सिक्का कैसे चलने वाला है? हाँ, आदमी अपने जिंदगी को अपनी हयात को हरा प्योर सोना और प्योर सिक्का उस वक्त बना सकता है जब आगे बयान की गई तीसरी आयत के अंदर चार सिफतों से मुत्तसिफ हो जाए। हम मिसाल से वाजे कर रहे थे कि चारों सिफतों का आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक है। आप लाइट की मिसाल ले लें। अगर लाइट आपके सामने है तो आप उसको मिसाल बना लें इन चारों चीजों को समझने के लिए, चारों सिफात को सही करने के लिए जो इंसान को घाटे से बचाने वाली है। फर्ज कीजिए कि आपके सामने एक बल्ब जल रहा है। अब आप बताइए इस बल्ब को रोशन करने वाली चीज कौन सी है? बिजली है। बिजली दिखाई देती है? नहीं। यह बिजली ईमान है। दर हकीकत ईमान भी दिखाई नहीं देता है। किसी से कहा जाए भाई ईमान दिखा दे, ईमान दिखाएगा वो? ईमान दिखाई नहीं देता बिजली की तरह। अब ये जो बिजली है उसकी मिसाल ईमान की है और बल्ब की मिसाल इंसान की है, और ये जो बल्ब के अंदर रोशनी है ये अमले सवाले है। अगर बल्ब फ्यूज हो तो बिजली का कोई मतलब नहीं है। बल्ब मौजूद हो मगर बिजली ना हो तो भी बल्ब का कोई मकसद नहीं। तो ये जो बिजली है वो ईमान, बल्ब इंसान। ये मिसाल तकरीबुल फहम के लिए है। तो बिजली ये ईमान है, बल्ब इंसान है, और बल्ब के अंदर जो रोशनी है वो नेक अमल है, अमले सवाले है। नाजरीन थोड़ा और गहराई में जाएं तो आप देखेंगे कि बल्ब की जो रोशनी है वो उसकी जात तक महदूद नहीं है। उसकी रोशनी अपने माहौल को अपने सराउंडिंग को भी मुनव्वर किए हुए है। ये तवासी बिलहक है। और चौथी चीज, इस बल्ब के ऊपर बारिश की बूंदें, बारिश के कतरात और हशरातुल अर्ज का, कीड़ों मकोड़ों का आना जाना, बल्ब को गंदा करने की कोशिश करना और उसके बावजूद भी बल्ब का खुद रोशन रहना और अपने माहौल को मुनव्वर करते रहना, यह तवासिब सब्र की मिसाल है। अगर इस सूरह करीमा के मफहूम को अच्छी तरीके से कोई आदमी जहन में रखना चाहे तो बल्ब की यह मिसाल अपने सामने रखे। कामयाबी के लिए पहली चीज ईमान है। नाज़रीन इकराम, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम ईमान वाले हैं, वो बेईमान है, उसके पास ईमान नहीं है। सवाल यह है कि ईमान कहते किसको हैं? इससे पहले कि हम इस लफ्ज की गहराई में जाएं और आपके सामने इस लफ्ज की हकीकत को रखें, ईमान की फजीलत में सूरह हुजरात की एक आयत करीमा आपके सामने रखूंगा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस जिसे इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह किताबुल ईमान के अंदर लाए। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, यमुन्नून अलैका अन अस्लमु कुल्ला तमन्नु अलैया इस्लामकुम बलिल्लाहु यमुन्नु अलैकुम अन हदाकुम लिल ईमान इन कुंतुम सादिकीन। ये लोग इस्लाम ले आए हैं और एहसान जिताते हैं अल्लाह पर कि हम इस्लाम ले आए हैं, ईमान वाले हो गए हैं। अरे इनको तो अल्लाह तबारक व ताला का एहसान मानना चाहिए कि अल्लाह ने ईमान तक पहुंचने के लिए रास्ते उनके लिए हमवार कर दिए। इस आयत करीमा में एहसान का बयान हुआ है। नाज़रीन इकराम, आयत करीमा पर गौर करें तो आपको मालूम होगा कि ईमान ये अल्लाह तबारक व ताला का सबसे बड़ा एहसान है। वैसे इंसानी जिंदगी पर तो अल्लाह तबारक व ताला के बेशुमार इनामात और एहसान हैं। अगर कोई पूछे कि इंसान के ऊपर अल्लाह तबारक व ताला का सबसे बड़ा एहसान क्या है तो वो बिला झिझक ये कह सकता है कि इंसानी जिंदगी पर सबसे बड़ा अल्लाह तबारक व ताला का एहसान उसे ईमान की दौलत से सरफराज करना है। इसलिए कि यही वो
टिकट है जिस टिकट के जरिए वो जन्नत में दाखिल हो सकता है, अगर ये टिकट उसके पास नहीं है जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। दलील ये हदीस पाक। वान अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم رواه مسلم في كتاب الإيمان। इस रिवायत को इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह मुस्लिम शरीफ किताब ईमान के अंदर लाए हैं और रावी हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं रजी अल्लाह तआला अन्हु कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ला तदखुलूनल जन्नत हत्ता तुमिनु, तुम लोग जन्नत में दाखिल हो ही नहीं सकते जब तक ईमान वाले ना हो जाओ। वला तुमिनु हत्ता तहब्बु, और तुम लोग ईमान वाले नहीं हो सकते जब तक के आपस में एक दूसरे से मोहब्बत ना करो। और आओ तुम्हें ऐसी चीज ना बता दूं कि अगर वो चीज तुम लोग कर लो तो आपस में मोहब्बत करने लगो, वो ये है कि आपस में सलाम को शाये करो, जारी करो, राइज करो। इस हदीस पाक से सिर्फ इतना इस्तिदलाल करना था कि जन्नत में जाने के लिए ईमान जरूरी है, अगर आदमी के पास ईमान नहीं है तो वो जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। तो दो बातें मालूम हुई, आयत करीमा जो सूरह हुजरात मैंने पेश की उससे ये पता चला कि अल्लाह तबारक व तआला का इंसान के ऊपर सबसे बड़ा एहसान ये है कि अल्लाह ने उसे ईमान की दौलत से सरफराज फरमाया। और इस हदीस पाक से यह मालूम हुआ कि ईमान वो टिकट है जिसकी वजह से आदमी जन्नत के अंदर जाएगा। सबसे हैरत अंगेज बात तो यह है नाज़रीन इकराम के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अबू तालिब, नसेसरी से साबित है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने चचा से बड़ी मोहब्बत थी। जब वो बिस्तरे मर्ग पर पड़ गए, लोग आकर मिलने लगे, मिलकर जाने लगे, और लोगों को यकीन हो चला कि अब वो इस बिस्तर से नहीं उठ सकेंगे, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ लाए, सरे बाली बैठ गए और फरमाया चचा एक बात कहनी है। कहा कि बोलो मेरे बच्चे। इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने चचा अबू तालिब से बड़ी मोहब्बत और चचा को भी अपने भतीजे से बहुत मोहब्बत। आप एक हदीस पाक नजरों के सामने रखें, बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है। हदीस इस तरह, वा नबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लियम्मिही क़ुल ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु लक बिहा यौमल क़ियामा क़ाल लौला अन तुअय्यिरनी क़ुरैश यक़ूलून इन्नमा हमलहु अला ज़ालिका अलजज़ा ला अक़ररतु अय्नक फ़अन्ज़लल्लाहु तआला انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء رواه مسلم في كتاب الايمان। حضرت امام مسلم رحمه الله اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الایمان کے اندر لائے راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے پاس آئے جو مرنے کے قریب تھے، آپ ان کے سرے بانی آ کر بیٹھ گئے۔ آپ نے فرمایا چچا آپ لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے۔ اس میں ایک نقطہ یہ معلوم ہوا کہ آدمی کہتا ہے کہ بھئی میرے پاس ایمان ہے، اور کوئی یہ سوال کر سکتا ہے کہ بھئی ایمان کیسے لاؤں، یہ بھی ایک سوال ہے، بھئی ایمان کیسے لاؤں۔ اس حدیث پاک میں یہ بتایا گیا کہ ایمان کیسے لایا جائے۔ آپ نے فرمایا قل لا الہ الا اللہ اشہد لک بہا یوم القیامہ، آپ لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، کل قیامت کے دن میں اسی لا الہ الا اللہ کی وجہ سے آپ کی گواہی دوں گا کہ آپ صاحب ایمان تھے۔ گویا لا الہ الا اللہ کی گواہی دے دے آدمی تو صاحب ایمان ہو جاتا ہے، اور اسی لا الہ الا اللہ کی گواہی کی وجہ سے جب وہ صاحب ایمان ہوا تو قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ایمان کی گواہی دیں گے۔ یہ ایمان لانے کا طریقہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کہے، توحید کا اقرار کرے۔ چچا نے جواب دیا میرے بچے مجھے نار پسند ہے مگر آر پسند نہیں، لوگ مجھے آر دلائیں گے کہ دیکھو جہنم کے ڈر سے آخر عمر میں اپنے بھتیجے کی بات اس نے مان لی اور ایمان لے آیا، زندگی بھر وہ ایمان لایا ہی نہیں، آخر وقت میں ایمان لایا، تو میرے بچے مجھے نار پسند ہے مگر آر پسند نہیں ہے۔ اور اپنے باپ دادا کے دین پر ان کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے دلگرفتہ ہوئے، بڑے دلگیر ہوئے کہ وہ چچا جس سے میں بڑی محبت کرتا تھا، میرا چچا اس سے بڑی محبت کرتا تھا، لیکن وہ ایمان لائے بغیر اس دنیا سے چلا گیا، اس نے جنت کا ٹکٹ حاصل ہی نہیں کیا۔ ظاہر ہے کہ آپ کو فطری طور پر، طبعی طور پر افسوس ہونا ہی تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی تسلی کے لیے آیت کریمہ نازل فرمائی فانزل اللہ تعالی انک لا تهدی من احببت ولکن اللہ یهدی من یشاء، اے ہمارے حبیب آپ کو دل گرفتہ ہونے کی ضرورت نہیں، افسوس کرنے کی ضرورت نہیں، جس سے آپ محبت کریں، جس کو آپ پسند کریں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ ہدایت کا پورا اختیار، ہدایت کا پورا معاملہ اللہ تبارک و تعالی کے ہاتھ میں ہے۔ ناظرین کرام ایک بات اور معلوم ہوئی، بلکہ یہ کہیے کہ تین باتیں معلوم ہوئیں۔ ایک تو یہ کہ
کہ ایمان لائے بغیر آدمی جنت میں نہیں جا سکتا. دوسری بات یہ معلوم ہوئی, ایمان لانے کا طریقہ ہے توحید کا اقرار. اور تیسری چیز یہ ہے کہ ایمان وہ دولت ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو اگر نہ دینا چاہے تو نبی کے اختیار میں بھی نہیں ہے کہ اسے ایمان سے سرفراز کر دے. ایمان اتنی بڑی دولت ہے. یہ ایمان کی فضیلت پر قرآن و حدیث سے ایک تفسرہ تھا جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا. اب ہم یہاں ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے رک رہے ہیں. وقفے کے بعد انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں اس سورہ کریمہ کی تفسیر کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں. ناظرین کرام, گفتگو جاری ہے. ہم نے ابھی تک یہ بیان کیا کہ کامیابی کے لیے اور خسارے سے بچنے کے لیے چار صفات سے متصف ہونا ضروری ہے. پہلی صفت ایمان ہے. ایمان کی فضیلت بھی آپ کے سامنے بیان کر دی گئی قرآن و حدیث کی روشنی میں. اب ہم ایمان کی حقیقت بیان کرنا چاہ رہے ہیں. لفظ ایمان عربی کے لفظ امن سے بنا ہوا ہے. اس سے پتہ یہ چلا کہ جب تک آدمی ایمان نہیں لاتا اس کا دل امن میں رہتا ہی نہیں, اس کا دل مضطرب رہتا ہے, بے چین رہتا ہے, اس کے دل کو سکون ملتا ہی نہیں. ناظرین کرام, آپ کو سن کر یہ حیرت ہو رہی ہے کہ نہیں کہ جب تک آدمی ایمان نہ لائے تب تک اس کے دل کو قرار نہیں ملتا, اس کے دل کو چین نہیں ملتا, اس کا دل بے چین رہتا ہے, اس کے دل کو سکون نہیں ملتا. آپ ایک سوال یہاں کریں گے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ایمان کی دولت سے سرفراز نہیں ہیں بہت خوش دکھائی دیتے, بہت پرلطف زندگی گزار رہے ہیں, عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں, خوش باش نظر آ رہے ہیں, ان کی پوری زندگی مسرت سے لبریز نظر آتی ہے. اس کا کیا جواب؟ ان کے پاس تو ایمان نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ بظاہر خوش ہیں اور امن میں ہیں. ان کا دل بظاہر مطمئن ہے, بے چین نہیں ہے, مضطرب نہیں ہے. اس کا جواب یہ ہے, آدمی کو حقیقی سکون اور حقیقی چین اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا جب تک کہ آدمی ایمان نہ لائے. وجہ یہ ہے کہ خالق کا اپنی مخلوق سے بڑا گہرا تعلق ہے, ابھی میں نے بتایا, اور انسان کی فطرت میں, مخلوق کی فطرت میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات ودیت کر دی ہے کہ وہ اللہ کو پائے. اور انسان اللہ سے کم پر راضی ہوتا ہی نہیں. جب تک اسے اللہ نہ مل جائے تب تک اس کا دل حقیقی امن و چین سے بہرہور نہیں ہوتا. رہا ان لوگوں کا معاملہ جو ایمان والے نہیں اور بظاہر خوش دکھائی دیتے ہیں, ان کی اس حالت کو اور کیفیت کو سمجھنے کے لیے عربی شاعر کا ایک شعر پیش نظر رکھیں. شاعر کہتا ہے, النفس كالطفل ان تمهله شب على حب الرضاع وان تفتمه ينفتم. اس شعر میں شاعر نے یہ کہنا چاہا ہے کہ انسانی دل کی مثال, انسانی نفس کی مثال بچے کسی ہے جو ابھی دودھ پی رہا ہے. ماں اس کو دودھ چھوڑوانا چاہ رہی ہے کہ یہ دودھ چھوڑ دے. دودھ چھوڑوانے کے وقت بچے کو تکلیف ہوتی ہے, اس بات کا احساس بچے کو بھی ہوتا ہے اور ماں کو بھی ہوتا ہے, لیکن ماں یہ چاہتی ہے کہ بچہ دودھ چھوڑ دے. اگر ماں دودھ نہ چھوڑوائے تو بچہ جیسے جیسے بڑھتا جائے گا, جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے تک وہ دودھ کا عادی ہی رہے گا. ایسے ہی نفس کی مثال ہے. نفس کی مثال ہے کہ نفس دنیاوی عیش و عشرت کا عادی ہو جاتا ہے اور بظاہر اس سے خوش نظر آتا ہے, لیکن اگر یہ دودھ کی مثال آپ اپنے سامنے رکھیں تو اس سکون کی حقیقت بالکل واضح ہو جائے. دیکھیے, ماں کسی کام میں ہے, بچہ بھوکا ہے, اسے دودھ چاہیے, رو رہا ہے. ماں یہ سن رہی ہے کہ بچہ بھوک سے بلبلا رہا ہے لیکن ابھی دودھ پلانے کا اس کے پاس وقت نہیں ہے, تو ماں کیا کرتی ہے, اس کے منہ میں نپل ڈال دیتی ہے پلاسٹک کی. وہ بڑی دیر تک اس نپل کو چوستا رہتا ہے اور بظاہر ایسا لگتا ہے جیسے اسے سکون مل گیا ہے. لیکن ناظرین کرام, کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پلاسٹک کے اس نپل کو چوستے ہوئے اسے سکون مل رہا ہے؟ یہ سکون عارضی سکون ہے. حقیقی سکون اس بچے کو اس وقت تک نہیں مل سکتا جب تک کہ ماں اس بچے کو اپنی گود میں لے کر کے, اپنے سینے سے لگا کر کے اپنا دودھ نہ پلائے. تب تک اسے حقیقی سکون ملنے والا نہیں ہے. پلاسٹک کے اس نپل سے اس کو عارضی سکون تو مل رہا ہے, مگر حقیقی سکون اس وقت ملے گا جب ماں اسے اپنی گود میں لے کر کے خود اپنا دودھ پلائے. یہی حال ان انسانوں کا ہے
जिनके पास ईमान नहीं है, जो ईमान की दौलत से सरफराज नहीं है, उनके पास हकीकी सुकून नहीं है। उनकी मिसाल उस बच्चे की सी है जिस बच्चे के मुंह में प्लास्टिक की निप्पल रखी हुई हो, जिसे आरजी सुकून तो मिल रहा है लेकिन हकीकी सुकून से वो कोसों दूर है, उन्हें हकीकी सुकून नहीं मिल रहा है। तो मैंने जो ये कहा कि ईमान अमन से बना है और इंसान को उसके दिल को हकीकी अमन और हकीकी सुकून उस वक्त तक हासिल नहीं हो सकता जब तक कि वो अल्लाह तबारक व तआला को ना पाले। इंसान की फितरत में ये बात वदियत है कि इंसान अल्लाह से कम पर राजी नहीं होता। जब तक उसे अल्लाह नहीं मिल जाता तब तक उसकी बेचैनी बरकरार रहती। अल्लाह मिल जाए तो उसे सुकून हकीकी हासिल हो जाता है। जैसे वो बच्चा जो अभी निप्पल चूस रहा है, जिसे आरजी सुकून मिल रहा है, माँ उसे अपनी गोद में लेकर के अपना दूध पिला दे तो उसे हकीकी सुकून हासिल हो जाता है। यह है ईमान की हकीकत जो लफ्ज अमन से बना है। हम चाहते हैं कि ईमान के ताल्लुक से और अहम बातें आपके सामने रखें। तो सबसे पहली चीज तो यह है कि ईमान नाम है इस्तिलाहन शरीयत में कि आदमी बगैर मुशाहदा के, बगैर देखे किसी शख्स की बात पर यकीन कर ले, उस शख्स की बात पर एतमाद करते हुए। यह है ईमान की इस्तिलाहन तारीफ। लोगवी माना तो है कि वो अमन से बना है और शरीयत में उसका माना यह है कि आदमी किसी शख्स की बात पर एतमाद कर ले, उस शख्स के ऊपर भरोसा करते हुए, एतमाद करते हुए। हम शरीयत में यूं कह सकते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एतमाद करके, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन तमाम बातों को मान लेना जो वो अल्लाह की तरफ से बयान करते हैं, ईमान कहा जाता है। मैंने ईमान के ताल्लुक से बड़ी शानदार मिसाल पढ़ी है नाज़रीन इकराम, मैं चाहता हूं कि वो मिसाल आपके सामने रख दूं। लेकिन इससे पहले मैं ईमान और यकीन के दरमियान एक फर्क बयान कर दूं। यकीन कहते हैं मुशाहदा के बाद किसी चीज की तस्दीक करना, और ईमान कहते हैं मुशाहदा के बगैर किसी चीज को मान लेना। यकीन का मतलब क्या हुआ कि मुशाहदा के बाद मानना, और ईमान कहते हैं बगैर मुशाहदा के किसी बात को मान लेना। उसकी मिसाल यह है कि आदमी देख रहा है कि उसके सामने एक बिल है, उस बिल के अंदर एक सांप जा रहा है, उसने सांप को जाते हुए उस बिल के अंदर अपनी आंखों से देखा है, यह उसका मुशाहदा है। अब इस मुशाहदे से उसे यकीन हासिल हो गया, कभी भी उस बिल के अंदर वो हाथ नहीं डालेगा, इसको कहते हैं यकीन। और एक शख्स है कि उस शख्स ने उस बिल के अंदर सांप को जाते हुए नहीं देखा है। एक शख्स आता है और कहता है कि मैंने ये देखा है कि इस बिल के अंदर एक सांप गया है। अब अगर ये आदमी उस आदमी की बात पर एतमाद करते हुए उसकी बात को मान लेता है तो इसको ईमान कहते हैं। यह है ईमान और यकीन के दरमियान एक गहरा फर्क, जिस फर्क को मलहूज रखना इंतहा जरूरी है। उसको एक और मिसाल से वाजे कर लेते हैं। छोटी मछली ने दरिया के अंदर, पानी के अंदर एक गोश्त के टुकड़े को लटकते हुए देखा, आगे बढ़ी, उसके बगल में एक बड़ी मछली थी, उसने छोटी मछली को गोश्त के उस टुकड़े को खाने से रोका और कहा कि इस टुकड़े को मत खाना। छोटी मछली बड़ी मछली से बहस करने पर आमादा हो गई, कहने लगी कि तुम यह कैसे कह सकती हो कि इस गोश्त के टुकड़े को खाने से कोई नुकसान है और तुम क्यों रोक रही हो। बड़ी मछली ने यह कहा कि मामला गोश्त के इस टुकड़े का नहीं है, बल्कि इस गोश्त के टुकड़े में एक कांटा लगा हुआ है और उस कांटे से एक डोर बंधी हुई है, और यह डोर एक रॉड के अंदर बंधी हुई है, और दरिया के बाहर एक फिशरमैन है, एक माहीगीर है, वो फिशिंग रॉड उस फिशरमैन के हाथ में है। अगर तुमने गोश्त के इस टुकड़े को खाया तो वो कांटा तुम्हारे गले में फंस जाएगा और फिर फिशरमैन तुमको इस दरिया से बाहर निकाल लेगा और घर पर ले जाएगा। उसकी बीवी तुम्हारे कई टुकड़े करेगी, टुकड़े करने के बाद तुम्हें तेल में तला जाएगा, नमक मिर्चे डाल करके तल करके
दस्तरखान पर तुमको सजाया जाएगा और फिशरमैन, उसकी बीवी, उसके बच्चे सब तुम्हारे टुकड़े को नोच नोच करके खा जाएंगे। अब छोटी मछली इस बड़ी मछली की बात पर एतमाद करते हुए गोश्त का वो टुकड़ा ना खाए तो ये ईमान है। एतमाद करके बड़ी मछली की बात पर अगर छोटी मछली उस गोश्त के टुकड़े को ना खाए तो उसको ईमान कहते हैं। अब अगर वो ये कहे कि सारे दरिया को खंगाल मारा लेकिन मैंने कहीं नहीं देखा कि कहीं तेल है, कहीं फिशरमैन है, कहीं रॉड दिखाई दे रहा है, इसी तरीके से कहीं आग दिखाई दे रही है, कहीं फ्राई पैन दिखाई दे रहा है जिसके अंदर मुझे तला जाने वाला है, अगर ये छोटी मछली बड़ी मछली से बहस करने पर आमादा हो जाए, जाहिर है कि ये छोटी मछली गलती के ऊपर है। इसी तरीके से अंबिया इकराम आते हैं, लोगों को बताते हैं कि ये चीज गलत है, ये चीज सही है। दर हकीकत अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उन्हें ऐनुल यकीन और हकुल यकीन हासिल होता है और लोगों को इन तमाम चीजों के बारे में इल्म नहीं होता। उनको चाहिए कि नबी की बात पर एतमाद करते हुए तमाम बातों को तस्लीम करें, इसी में उनके लिए नफा है। नाज़रीन इकराम, दूसरे एपिसोड के अंदर हम फिर इसी सूरह करीमा पर बहस करने के लिए आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए हम आपसे रुख्सत चाहते हैं।